एशियन पेंट्स यहाँ पर नतीजे कमजोर रहे, आय 2% घटी है, मुनाफा 25% घटा है, मार्जिन 23% से घटकर 19% से नीचे आते दिखे हैं। CLSA ने अपने टारगेट घटाए हैं, 2337 से घटाकर 2290 किया है। जेफरीज ने अपने टारगेट 2200 से घटाकर 2100 किया, यानी कि नंबर्स कमजोर। LTM एंट्री, यहाँ पर नतीजे ज्यादातर अनुमान मुताबिक हैं, रेवेन्यू 3%, मुनाफा 3%, मार्जिन में हल्का एक्सपेंशन, ब्रोकरेज ने टारगेट भी बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली का 6070 का टारगेट है, जेपी मॉर्गन का 5400 का टारगेट है। L&T फाइनेंस अच्छे नतीजे, नेट इंटरेस्ट इनकम 20% बढ़ी है, मुनाफा 30% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 11% के ऊपर आए और ग्रोथ लेवल पर NPA में आई है कमी। गोल्डमैन ने अपना टारगेट बढ़ाया है, 187 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया है। GMR एयरपोर्ट्स, यहाँ पर जो अपडेट आया है, पैसेंजर ट्रैफिक में 8% ग्रोथ, डोमेस्टिक ट्रैफिक 6.5% और एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी 6% बढ़कर आया है। जी एंटरटेनमेंट बोर्ड से प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर FCCB जारी कर 2000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी मिली है और 16 जुलाई को ये FCCB जारी किया गया है। कन्वर्जन प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से ऊपर है, 160.20 रुपये, फ्लोर प्राइस भी 152.45 रुपये तय की गई है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, NCLT ने जो शेयर धारकों के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की उसको मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत 10,400 करोड़ के जो इनके जनरल रिजर्व हैं इसे रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि इसके बाद एक बड़ा डिविडेंड भी आ सकता है, इन पर रखेंगे सर। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर किराया जो दिया जाता है उस पर GST को जो लगता है उसे GST के दायरे से बाहर किया गया है। कॉनकोर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कॉनकोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करता है, यानी कि अब जो भी माल ढुलाई रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से होगी उस पर 18% GST जो देना पड़ता था वो नहीं लगेगा। 15 जुलाई से ये फैसला लागू हो चुका है। Zensar टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, ब्रिजव्यू लाइफ साइंसेज में 100% का एक्विजिशन है, 117 करोड़ में किया गया है और आने वाले समय में अतिरिक्त 92 करोड़ का भी ये भुगतान करेगी। ओके और KEC इंटरनेशनल को 1100 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, भारत में, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये ऑर्डर्स उन्हें मिले हैं। और Zomato, जहां पर हमने बड़ी ब्लॉक डील देखी थी परसों के सेशन में, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यहां पर 2.85 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। सोसाइटी जनरल और कई और फंड्स ने यहां पर मिलकर ये हिस्सेदारी खरीदी है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।